अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए रेसिपी लाए हैं, मज़ेदार सा चिकन टिक्का की रेसिपी लाए हैं, जो टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा घर में, होम मेड, साफ सुथरे माहौल में। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, उसे बनाने का तरीका नोट डाउन कर लेते हैं। हमने मज़ेदार सा चिकन ले लिया, तकरीबन 5 kg के करीब चिकन हमारे पास है, जिसमें हम मज़ेदार से मसाले डालेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आज चिकन टिक्का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स में सॉल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच, क्योंकि 5 kg चिकन है, उस मकदार के हिसाब से हम इसमें सॉल्ट और मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद भी मतलब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, वो भी हम तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, क्योंकि इससे भी बहुत मजे का टेस्ट आने वाला है, कलरफुल भी हो जाएगी और देखने में भी मजे की होगी, टेस्टी भी। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो भी भरकर इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि इन सब मसालों का बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर निकल कर आएगा चिकन टिक्के में। तो अब इसके बाद भी बस हम इसमें रेड मिर्च शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच शामिल कर देंगे, क्योंकि ये जो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए हम थोड़ा मसाला चटपटा तेज इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद भी अब इसमें हम शामिल कर लेंगे बाकी और ड्राई स्पाइसेस भी शामिल करेंगे, जो बहुत ही मजे के होंगे। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे तकरीबन, वो भी 2 टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल करेंगे, मजीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें हमने चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें चिकन टिक्का जो है व्यूअर्स पैकेट पूरा फुल शामिल कर देंगे, क्योंकि इससे भी बहुत मजेदार सा फ्लेवर आएगा इसमें। ये भी तकरीबन हमने 2 पैकेट इसमें शामिल करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि हम खाते हैं थोड़ा स्पाइसी मजेदार सा, इसलिए हम इसमें सब चीजें थोड़ा डबल डालेंगे। अब व्यूअर्स हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने फ्रीज किया हुआ था, तकरीबन 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही मजे का फ्लेवर आने वाला है, टेस्टी और जबरदस्त टिक्का फ्लेवर बनाने के लिए इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसमें डाल देंगे व्यूअर्स हम सिरका, सिरके को भी ऐड करेंगे, इससे ये बहुत जूसी और टेस्टी बनेगा और अंदर तक ये चिकन टेंडर हो जाएगा, और जितने स्पाइसेस डाले हैं सब इस सिरके की वजह से अंदर तक इनका टेस्ट जाएगा, क्योंकि इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे इन सब स्पाइसेस के साथ तकरीबन 30 मिनट के लिए। ज़्यादा देर रखेंगे तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, लेकिन 30 मिनट काफ़ी होंगे। इन सब मसालों को हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है, ताकि सारे चिकन के ऊपर अच्छे से स्पाइसेस लग जाए, यानी कि हम इस चिकन की अच्छे से मसाज कर देंगे। अब हमने व्यूअर्स दही ले लेनी है तकरीबन 1 प्याली भर कर, इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है, बहुत अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, और इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे मज़ेदार टिक्का फ्लेवर बढ़ाने के लिए। एक तो इसमें जो खट्टापन आएगा व्यूअर्स, उसका टेस्ट जो आएगा वो बहुत ही मज़ा करेगा। तो ये व्यूअर्स हमने दही इसमें शामिल कर देनी है, और इसको भी हमने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए, जिससे मज़ेदार सा टिक्का फ्लेवर आएगा, अंदर तक चिकन हमारा जूसी, टेस्टी और मज़ेदार सा तैयार होने वाला है। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है बगैर स्किप किए, तो ही आपकी टेस्टी और मज़ेदार सी ये टिक्का रेसिपी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ही आपकी ये मज़ेदार रेसिपी अच्छे से तैयार होगी। अब व्यूअर्स, मैंने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और उसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है 30 मिनट के लिए। ये व्यूअर्स बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट किया जा रहा है, अच्छे से हमने इसको मिक्स करते हुए ऐसे रख देना है। तो ये व्यूअर्स मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं, वो मज़ेदार से मसाले लगाकर इसको मैरिनेट करके रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में था और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो आप सब ने लाजमी इस वीडियो को वॉच करना है, और मुझे अप्रिशिएट करना है, मेरे हस्बैंड को भी अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो मेरी काफ़ी हेल्प कराते हैं। जब ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई चीज़ तैयार करनी होती है तो हम मिलकर दोनों कुकिंग करते हैं। चले व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का स्टेम पे मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे सीखों पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसे कोयले पे अच्छे से कुक कर लेंगे, स्टीम कुक करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बनने वाला है। तो आप कोयले को भी दहका लेंगे, और कोयले के ऊपर हम सबको मज़ेदार सा तैयार करेंगे। तो आपने मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करनी है, क्योंकि व्यूअर्स आप देख रहे हैं मेरी वीडियो थोड़ी कम टाइम से आ रही हैं, जो पहले डेली बेस पर आती थी, अभी थोड़ा सा कम टाइम के बाद आती हैं, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही। तो आप सबने मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करनी है।
चलिए बस ये देखें माशाल्लाह हमने कोयलों को अच्छे से दहका लिया था और सीखों पर हमें चिकन के पीसेस को लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया है। अब आपके सामने ही ये मज़ेदार से टिक्के फ्राई होंगे, पकेंगे, स्टीम में हो। ये देखें कोयले से हमने ज़बरदस्त सा इनको कुक करना शुरू कर दिया है। ये रात के टाइम पे हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, व्यूअर्स बहुत मज़ा आ रहा है, आयल लगा रहे हैं सब बोटियों पर, और ऐसे ही हम इनको टर्न करेंगे एक साइड से कुक होने के बाद, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और मज़ेदार से चिकन टिक्का घर पर ही हम तैयार करेंगे। अब बारबेक्यू करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर की छत पर ही इजीली आप इसको कुक कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड के साथ। आप देख सकते हैं ये व्यूअर्स, हमने अंगीठी का भी इस्तेमाल नहीं किया, हमने घर में होममेड ईंटों पर रखा और सीखों को ऊपर रखकर मज़ेदार से टिक्के बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अंगीठी होगी तो आप ये काम करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आपके लिए हर काम को बहुत ईजी कर दिया है तो आप ईजी मेथड को यूज़ करते हुए अपने घरों में मज़ेदार सा ज़्यादा क्वान्टिटी में टिक्का बना सकते हैं। बीफ का टिक्के भी बना सकते हैं, मटन के भी और चिकन के भी। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार से हमारी चिकन टिक्का स्टम्प पे रेडी है, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, चटपटे, मज़ेदार चिकन टिक्का स्टम्प कम्प्लीट तैयार हो चुका है। खाएं, मज़े लें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये लास्ट सीखें रह गई हैं सिर्फ, ये भी चंद सेकेंड में तैयार होने वाली हैं, फिर हम इनको खाएँगे, मज़े लेंगे। और भी व्यूअर्स के साथ अब आपसे मैं इजाज़त भी चाहूँगी, ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।